फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सो कल की क्लास में हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कल हम अपनी एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1.2 जो नंबर सिस्टम की सेकेंड एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि तीन स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सो पहली स्टेटमेंट देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो सबसे बड़े जो दादाजी हैं वो कौन होते हैं? वो रियल नंबर होते हैं। यस, और रियल नंबर के क्या होते हैं? दो बच्चे होते हैं। ठीक है, रियल नंबर के दो बच्चे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है रैशनल नंबर, वो होता है रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। यही बताया था मैंने आपको, बिल्कुल यही चीज मैंने आपको बोली थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? आपको कि बिल्कुल, जो ये इरेशनल नंबर है ये रियल नंबर के अंदर ही तो आता है। जो ये रेशनल और ये इरेशनल नंबर है ये रियल नंबर के अंदर ही तो बैठे हुए हैं। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है? ट्रू है। आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, इससे पूछा है क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। देखो, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके। मैंने यही कहा था, जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उन्हें क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब आप देखो, आप दुनिया का कोई भी इरेशनल नंबर ले लो। मैंने ले लिया रूट टू, मैंने ले लिया रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, पाई, कुछ भी ले लो। आप इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो ना, तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या हुए? हम इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या बन गए? ये हमारे रियल नंबर बन गए। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एन। इसने क्या कहा? जो आपकी ये नंबर लाइन है ना, ये आपकी सपोज कर लो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ जीरो, ये वन टू थ्री फोर फाइव ये चलता जा रहा है, और इस साइड नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, इसने क्या कहा? जो नंबर लाइन पे हर एक जो आपका एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट है ना, हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम उसे रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे एम क्या है? एक नेचुरल नंबर होगा। आप कहोगे अच्छा, तो अब बताओ, मान लो मैंने क्या कहा, मान लो मैंने ले लिया कोई थ्री नंबर ले लिया, क्या मैं थ्री को रूट एम की फॉर्म में लिख सकती हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट नाइन क्या होता है? मेरा थ्री होता है। ठीक है, लिख दिया मैंने ऐसे। मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया रूट, मैंने मान लो मेरे को टू को नंबर मुझे बताना है, क्या टू को मैं रूट एम की फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। कैसे? रूट फोर क्या होता है? टू होता है। अब एक चीज बताओ, क्या मैं जीरो को रूट एम की फॉर्म में लिख सकती हूँ? जहां पे एम क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या मैं रूट, देखो जीरो कैसे बनेगा? जब रूट जीरो होगा तभी तो ये जीरो बनेगा। यस होगा, लेकिन क्या हमारा ये एम, हमारा क्या ये एम हमारा कभी भी जीरो हो सकता है? देखो नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ इन्होंने पहली ही चीज कह दी कि एम हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हमारा ये जो अंदर वाली चीज है ये जीरो नहीं हो सकती। तो इससे क्या पता चला कि भाई जीरो तो हमारा नहीं बन सकता, किससे? रूट एम से। मतलब हम जीरो को हम रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, और ले लेते हैं, अब हम बात करते हैं माइनस वन की, लेट सपोज ले लेते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा, अगर रूट के अंदर कोई भी डिजिट, मान लो मैंने ले ली सेवन, एट, चलो नाइन ले लेते,
नाइन देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। रूट के अंदर जब भी कुछ भी होता है ना, जब वो रूट से बाहर आता है वो हमेशा पॉजिटिव बनकर आता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रूट नाइन को हम क्या लिखते हैं, थ्री लिखते हैं, हम कभी माइनस थ्री नहीं बोलते। अब जो मानो मैंने ले लिया रूट फोर, रूट फोर की जो वैल्यू होगी ना वो बेटा टू होगी, माइनस टू नहीं हो सकती। तो एक चीज बताओ, रूट एम के, रूट एम जो होगा अपने आप में, रूट एम होगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगी, कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। क्योंकि रूट एक समझ लो एक ऐसी चीज है जहां से बंदा बाहर निकलता है ना, जहां से भी ये अंदर का जो भी डिजिट्स है वो बाहर निकलेंगी ना, हमेशा पॉजिटिव बनकर निकलेंगी। तो रूट एम हमेशा, रूट एम की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो रूट एम कभी भी, रूट एम कभी भी माइनस वन हो सकता है क्या? रूट एम कभी भी माइनस वन हो सकता है? आप कहोगे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर जब भी कोई बंदा बाहर निकलता है रूट से, तो वो हमेशा पॉजिटिव बनकर निकलता है, नेगेटिव होकर नहीं निकलता। तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि जो ये नेगेटिव वाले जो भी नंबर्स है ना, ये जो नेगेटिव वाले पॉइंट्स है, ये हम इन्हें रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो ये नेगेटिव वाले नंबर्स है ना, इन्हें हम रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे एम क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो गई, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आप इसमें लिख सकते हो बिकॉज, ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो ऑन नंबर नाइन, बट रूट एम कैन नेवर बी नेगेटिव। रूट एम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब देखो इतनी तो आपको इंग्लिश आती होगी, थोड़ा बहुत बना के लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर, दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं, क्या वो हमेशा इरेशनल ही होंगे? क्या वो हमेशा इरेशनल ही होंगे? आप कहोगे, मैं कहूंगी चलो बेटा मैंने ले लिया 1/2, मैं ले लिया 4। अब बताओ क्या ये दोनों के दोनों रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर क्या है, दादाजी जिसका बेटा है क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर में ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो रियल नंबर में क्या क्या आया, 1/2 भी आया और 4 भी आया। ठीक है, तो क्या ये 1/2 और 4 हमारे इरेशनल नंबर होते हैं? आप कहोगे नहीं भाई, ये तो हमारे रैशनल नंबर है। तो क्या हर एक नंबर, हर एक रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर ही होता है? नहीं भाई, हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर भी तो होता है। हर एक रियल नंबर रैशनल नंबर भी तो होता है, सिर्फ इरेशनल थोड़ी होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे दो एग्जांपल ले लेना कि हमें पता है 1/2 और 4 क्या है, रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर थोड़ी है। ये 1/2 और 4 एक रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर थोड़ी है, ये तो रैशनल नंबर है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि हर एक रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नहीं होता, वो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। हर एक रियल नंबर जो होता है वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ये सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लिख लो आप इसको ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा सकूं। अब ये दो क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 1.2 के। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। क्या एक स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स का हमेशा इरेशनल ही होगा? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट दैट इज रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट ऊपर वाली फॉल्स है, तो मुझे उसके एग्जांपल, ऐसे स्क्वायर रूट के एग्जांपल दो जो क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं ये वाला प्रश्न। सो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, आपको पहले पता है क्या गिवन है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स, यस और नो? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, यही होते हैं हमने इंटीजर्स के अंदर पढ़ा था। इस
स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा इरेशनल ही होगा? हम कहते हैं चलो देख लेते हैं, हम ले लेते हैं मान लो रूट टू ले लिया मैंने ले लिया रूट टू। आपको पता है रूट टू क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। चलो कहोगे अच्छा मतलब ये तो हमें सही लग रही है ये वाली, मतलब पहली स्टेटमेंट तो है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है रूट थ्री। आप कहोगे आपको पता है रूट थ्री भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। आपके मन में फिर एक चीज आएगी भाई मतलब हो सकता है दो चीजें हमें सही मिल गई तो मतलब हो सकता है यार ये वाला स्टेटमेंट सही हो। लेट अब हम ले लेते हैं रूट फोर। स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर ही तो है ना, और आपको पता है रूट फोर की वैल्यू क्या होती है भाई? टू होती है। जो क्या है, क्या ये इरेशनल है? नहीं भाई ये तो रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर। अब और ले लो, मैंने रूट वन, मैंने वन वाला एग्जांपल ही लिया था, मैंने रूट वन ले लो। और रूट वन क्या होता है भाई? वन होता है। और ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या पहली वाली स्टेटमेंट सही है? इसने क्या कहा? क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल? क्या जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो हमेशा इरेशनल ही होगा? आप कहोगे नहीं भाई हमें तो एग्जांपल मिल गए कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमें रैशनल भी मिल गया। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? आप देखोगे आप क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप कहोगे नो, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। क्या कहोगे? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। और अगर आपको कोई एग्जांपल देने हैं तो आप कौन से दे दोगे? दोनों दे दो। और एग्जांपल दे दो, मैंने दे दिया रूट नाइन। नाइन एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये किसके इक्वल होगा? ये थ्री के इक्वल होगा। ये क्या आ गया? ये भी तो रेशनल नंबर आ गया। आप सिर्फ बेटा पहली वाली स्टेटमेंट, ये दो क्वेश्चंस को देख, ये दो एग्जांपल को देखकर ये स्टेटमेंट को कैसे ट्रू कह दोगे? आपको और भी तो एग्जांपल मिल रहे हैं जिसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। आपको हर एक चीज देखनी है, आपको सारे एग्जांपल ट्रू होने चाहिए अगर आपको इसको ट्रू लिखना है तो। अगर हमें एक भी गलती फॉल्स मिल गया, अगर हमें एक भी फॉल्स का एग्जांपल मिल गया तो हम भाई इसे स्टेटमेंट को फॉल्स कह देंगे। तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई। और इसके अगर आप एग्जांपल्स देना चाहो तो आप ये तीन एग्जांपल्स दे दोगे, ठीक है? इंग्लिश अपने आप आपकी अच्छी इंग्लिश होगी आई नो, अपने आप लिख लेना, ठीक है? अब ये लिखोगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, द स्क्वायर के ऐसे पॉजिटिव का साइन लगा दिया, ठीक है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। ये क्या है? नॉट इरेशनल। और अगर आपको कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट उसमें क्या आता है पार्ट में, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट दैट इज रेशनल। आप ये तीन एग्जांपल दिखा दोगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब आप कहोगे मैडम ये तो आप पिछले लेक्चर्स में 10 बार हमें बता चुके हो कि रूट फाइव को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, क्या मुझे अभी भी जरूरत है बताने की? जल्दी बताओ। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी कराया और पहले वाले लेक्चर में भी कराया, मैंने हर लेक्चर के अंदर रूट फाइव को नंबर लाइन पे प्लॉट करना आपको सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जल्दी से जाके देख लो, मैं आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बस इतना सी ही थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम 1.3 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। बाय।